गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? तो आज हमारा दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी स्टैंडर्ड्स 2। सो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 10 में जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर दी थी, और पेज नंबर 11 में जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी थी, और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि पेज नंबर 12 पर हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, सो पढ़ो और रंग भरो, रीड एंड कलर। अ अ को अगर हम एक काना लगाते हैं तो आ हो जाएगा, जैसे आ, आ से आम और आ से आईना, देख सकते हैं आप। आ से आम यानी मैंगो, और आ से आईना यानी कि मिरर। कांच को इंग्लिश में मिरर कहेंगे और मैंगो को, आम को इंग्लिश में मैंगो कहेंगे। तो चलो, जैसे यहाँ पे आ से आम, तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आ है वो ट्रेसिंग करने के लिए कहाँ है, आम, और यहाँ पे आईना। आपको ये आम है घर पे से कलर करना है। चलो, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। तो चलो हम पहले कहेंगे आ से आम, आ से आम, आ से आम, आ से आईना, आ से आईना, आ से आईना, आ से आम, आ से आईना। ठीक है, वैसे ही आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है। चलो, अभी हमने आगे सिर्फ क ख ग घ देखा था, है ना, और होमवर्क भी दिया था। आई विश कि आप सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा। वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मात्राएं लगी है, ठीक है, तो मात्राएं लगने के बाद अ का आ हो जाता है, तो वैसे ही क का भी क्या हो जाएगा, का। तो चलो, क को कान्हा लग करेंगे तो का, ख को एक कान्हा लगाएंगे तो खा, वैसे ही हम लिखते जाएंगे और रीड करते जाएंगे, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, ग्ना, त्रा, श्रा। तो मैं आपको फिर से रीड करके बता देती हूँ कि क को एक लाइन कर देते हैं तो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धाना, पा, फा। तो हमने यहाँ पर देखा था कि कौन से को लाइन, शब्द या अक्षर को लाइन लगाने से उसका पूरा जो प्रोनाउन से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, क्षा, ग्ना, त्रा, श्रा। ये श्र है, ठीक है, उसको लाइन करेंगे तो श्र हो जाएंगे, श्रा। चलो, वैसे ही यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूँ कि आपको ये जो 2 लाइन्स है उसमें ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो, अब क्या है, पढ़ो, सीखो और लिखो, रीड, लर्न एंड राइट। चलो, लेट्स स्टार्ट।
गान यानी कि जो गाना होता है उसके लिए भी यूज़ होता है गान। फिर आम यानी मैंगो आम। फिर ताला। आग। आम मतलब मैंगो, ताला मतलब लॉक और आग यानी फायर। चलो वैसे ही काम यानी वर्क, कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। गाल हमारे जो चिक्स है ना। फिर चादर आपको पता ही है, ओढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर बाजार यानी मार्केट। बाजार ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन से वर्ड देखे, देखो गान आम ताला आग काम गाल चादर बाजार। वैसे तो वैसे ही आज तो ये सारे में हमने जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उसमें देखो आ आ ऐसा आ रहा है, जैसे गाम कान आम ताला आग काम गाल चादर बाजार इस तरह से। तो वैसे ही आज से शुरू होने वाले शब्द को टिक करना है। तो टिक द राइट द वर्ड्स विच बिगेन विथ आ। तो चलो जैसे यहाँ पे आवाज़ है, आवाज़ तो आ आया इसलिए उन्होंने टिक किया। वैसे ही आग तो आ तो राइट। उसके बाद अनार है तो इसमें आएगा नहीं। फिर माला तो नहीं आम। ठीक है तो आ से शुरू होने वाले कौन से अक्षर आए, आवाज़ आग माल सॉरी आम, ये तीन अक्षर आए शब्द सॉरी। आ को तीर की निशानी से पढ़कर शब्द बनाओ। मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग आ इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो जैसे आ म तो आम हो गया, वैसे ही आग आ ग आ ज आज। ठीक है नेक्स्ट क्या है, आकाश आ का श बाद में आईना। आईना चलो उसके बाद क्या है, आशा आशा। चलो चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम, राइट इट्स नेम। चलो ये किसका पिक्चर है, काव तो उसको क्या बोलेंगे हम, गाय। तो आप हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, सॉरी गाय क्या लिखेंगे हम, गाय। ठीक है वैसे ही उसके बाजू में जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो किसका है, माला है ना, माला दिख रही है तो ये रहा माला। उसके बाद नीचे ये क्या है, कैरेट यानी गाजर। तो हम यहाँ पे गाजर। उसके बाद ये क्या है, ताला। तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ताला। ठीक है तो चलो आज हमने दो पेज कंप्लीट कर लिए है, 12 और 13। वो आज आपका होमवर्क है, आपको टेक्स्ट बुक में देख देख कर ही पूरा कंप्लीट करना है। आगे हम क्या है, एक्सरसाइज है फिर से, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।